दोस्तों स्वागत है आपका कार्स एट द रेट इन्फो के एक नए वीडियो में। तो आज जिस गाड़ी का वीडियो होने वाला है वो है टाटा की हैरियर। अगर इसके वेरिएंट की बात करें हम तो एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट गाड़ी के डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे किस प्राइस में मिल जाती है, कितने फीचर्स मिलने वाले हैं और एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या क्या मिलने वाला है, साथ में आपको कितनी कैपेसिटी का इंजन मिल जाता है। गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन आपको इस गाड़ी में क्या क्या वारंटी मिलने वाली है, साथ में कितनी सर्विस करानी होती है, कब कब करानी होती है, कितनी फ्री सर्विस मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी मिलने वाली है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख के लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसे हम इसके अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग LED लाइट्स मिल जाती है जो दोनों DRLs को कनेक्ट करती है। DRLs व्हाइट लाइट्स के साथ मिलते हैं आपको, साथ में DRLs में ही आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है जो डुअल सिक्वेंस में काम करता है। हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें आपको व्हाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे आपको इसमें हेडलैम्प्स के नीचे में आप देखेंगे आपको क्यूब टाइप में फॉगलैम्प का भी ऑप्शन मिल जाता है। देन हम यहाँ पे ग्रिल्स को देखें आप तो यहाँ पे पियानो फिनिश में आपको अपर ग्रिल मिल जाती है टाटा के लोगों के साथ में, एक आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, साथ में दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लोअर ग्रिल आपको मैट ब्लैक कलर्स में मिल जाती है। इन सारी चीज़ों के चलते कुछ इस टाइप से इसका फ्रंट लुक आता है जो काफ़ी मैसिव लगता है, काफ़ी बोल्ड लगता है और डार्क एडिशन भाई वाकई में एक भौकाल लगता है। इसके कलर की बात भाई काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि चर्चे में है टाटा हैरियर का डार्क एडिशन जो काफ़ी प्रीमियम लुक दिखता है, एक अलग टाइप का भौकाल है इसका रोड में। अब बात करते हैं भाई इसके इंजन की हम, तो गाड़ी के करते हैं बोनट को ओपन और देखते हैं इसके इंजन को। तो कुछ इस टाइप से इसका इंजन सेटअप मिलता है। इसमें अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें हम इस इंजन की तो भाई इसमें आपको जो इंजन मिलता है 2.0 लीटर का क्रायोटेक इंजन मिलने वाला है। पावर की बात करें तो 1997 सीसी में इसमें जो आपको पावर मिलता है 170 BHP का मिलता है। इसमें आपको जो टार्क मिलता है 350 NM का, जो ARI इसमें क्लेम करती है एवरेज हाईवे में भाई वो आपको 16 से 17 किलोमीटर का मिलने वाला है। साथ में इसमें आपको कहना चाहिए कि जो फ्री सर्विस मिलती है, 3 फ्री सर्विस मिलती है, 2000 टू मंथ, सेकेंड सर्विस मिलेगी 7000 सिक्स मंथ, ये दोनों ही सर्विस फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें गाड़ी के नॉर्मल जनरल चेक्स होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑयल फिल्टर ये रिप्लेस नहीं होता। थर्ड सर्विस जो होती है इसकी 1 ईयर या 15000 किलोमीटर में, जिसमें गाड़ी के ऑयल फिल्टर ये सारी चीज़ें रिप्लेस होती है। इसमें आपको पार्ट का पेमेंट करना है, लेबर चार्जेस ओनली फ्री होते हैं। नहीं तो कई लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो क्या करते हैं कि भाई जाके वर्कशॉप में ये बोलते हैं फ्री सर्विस यानी कंप्लीट फ्री, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देना नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको थर्ड सर्विस में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको पार्ट का पेमेंट करना है और लेबर चार्जेस फ्री होते हैं। वारंटी की बात करें 3 ईयर 1 लाख किलोमीटर की मिल जाती है, एडिशनल 2 साल के लिए आप एक्सटेंडेड वारंटी का प्लान ले सकते हैं कुछ चार्जेस देके। इससे कुछ इस टाइप से इसका लुक आने वाला है। व्हील्स की बात करें तो 19 इंचेस के इसमें व्हील्स मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक कलर्स में इसके अलॉय व्हील्स होने वाले हैं। टायर साइज की अगर हम बात करते हैं इसमें आपको तो 245/55R19 के इसमें आपको टायर साइज मिल जाते हैं। फ्रंट ब्रेक भी इसमें डिस्क में होने वाले हैं, रियर ब्रेक भी आपको डिस्क ब्रेक के साथ में होने वाले हैं। साथ में फ्रंट टू डोर में हैरियर की बैचिंग मिल जाती है। मिरर्स की बात करें यहाँ पे हम तो इसमें आपको मिरर्स में टर्न इंडिकेटर LED में मिल जाते हैं, साथ में फेंडर में आपको डार्क की बैचिंग मिल जाती है, डोर हैंडल बॉडी कलर्स में मिलने वाले हैं। देन यहाँ पे रूफ रेल का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे टाटा का लोगो बूट में देखने को मिलता है 2D में। साथ में यहाँ पे आपको एक कहना चाहिए कि रिवर्स कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है जो आपको टाटा के लोगों के नीचे मिलने वाला है। नंबर प्लेट लाइट व्हाइट LED में, हैरियर की बैचिंग्स मिल जाती है। देन रियर बम्पर में आपको रिवर्स लैंप फॉग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर डिफॉगर ग्लास मिल जाता है इसमें, साथ में हाई माउंट ब्रेक लैंप, स्पॉयलर का ऑप्शन मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, इसमें 360 कैमरे का ऑप्शन है, यानी दो कैमरे आपको फ्रंट टू मिरर में मिलने वाले हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसका सेटअप मिल जाता है। ओपन करते हैं गाड़ी के बूट को और देखते हैं कितना कुछ स्टोरेज मिलता है। गाड़ी के बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का बूट ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से इसका बूट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है, 445 लीटर का काफ़ी बड़े साइज में इसका बूट मिलने वाला है। बूट में एक आपको कहना चाहिए सब बूफर की प्लेसिंग मिल जाती है, साथ में यहाँ पे आपको बूट ओपनिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे डेप फील करने के लिए यहाँ पे डेप का कैप मिल जाता है, यहाँ डेप फील करने के लिए आपको इस कैप को ओपन करना है और यहाँ से आप 15 लीटर तक का डेप फील कर सकते हैं, यानी इसका जो डेप टैंक है वो आपको 15 लीटर का मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ से ये कैप को हटाना है,
यहाँ पे एक बोल्ट रहता है, नट रहता है, जिसे लूज करेंगे तो गाड़ी का स्पेयर व्हील यहाँ कुछ इस टाइप से प्लेस किया हुआ है जो नीचे आ जाएगा और आप इसका पंचर होने पे व्हील्स चेंज कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं भाई गाड़ी के इंटीरियर की और राइट साइड के प्रोफाइल की। देन राइट में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वार्टर पैनल में आपको फ्यूल फिल करने के लिए फ्यूल फ्लैप का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में यहाँ पे अब डोर ओपन करके अगर हम देखें इसके, तो भाई पहले डोर पेट को देखें इसके, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इसका डोर पैड मिलता है और चारों डोर में आपको पेडल लैंप का ऑप्शन मिल जाता है जो वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे आपको कटन्स मिल जाते हैं मिरर्स डोर ग्लास में, यहाँ पे आपको कटन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल मिल जाता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलने वाला इस एरिया में, ये आपको हार्ड प्लास्टिक में, क्रोम फिनिश में आपको इनर डोर लॉक हैंडल मिल जाता है, साथ में यहाँ पावर विंडो ऑपरेशन बटन्स मिल जाती है, ये ग्रैब हैंडल का ऑप्शन मिल जाता है, बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए यूटिलिटी स्पेस, स्पीकर की ग्रिल्स, पाँचों सीट बेल्ट रिमाइंडर हो जाते हैं, साथ में यहाँ पे आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सीट्स की बात करें हम तो इसमें आपको लेदर सीट्स मिलती है और काफ़ी सॉफ्ट कुशन क्वालिटी में मिलती है भाई, काफ़ी बड़ी सीट्स हैं, यानी यहाँ पे अगर हम बैठ के देखें तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको चार्जर की बात करें तो टू टाइप के चार्जर ऑप्शन मिलने वाले हैं, यहाँ एक सी टाइप का, एक यूएसबी पोर्ट और यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। देन पीछे से देखने में भाई कुछ इस टाइप से इसका लुक आने वाला है, काफ़ी प्रीमियम लुक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल के साइड में यहाँ पे आपको सीलिंग लाइट्स मिल जाती है रियर के लिए, दोनों साइड में आपको राइट लेफ्ट में यहाँ पे वाइट एलईडी में लाइट्स मिल जाती है। देन यहाँ पे अगर सेंटर में देखें हम तो यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है और दो जो रियर सीट है आपको 60-40 में मिलने वाली है, स्प्लिट सीट मिलने वाली है। आपको अगर ज़्यादा यहाँ पे लगेज रखना है तो आप एक साइड से सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, यानी 60-40 की रेसो में सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ दो कप होल्डर के साथ में आर्म रेस्ट मिलने वाला है, यानी आपको कुछ इस टाइप से कंफर्टेबल जर्नी होने वाली है इस गाड़ी के साथ में, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा पावर मिलने वाला है। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और देखते हैं इसके फ्रंट में आपको क्या कुछ मिलता है। एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है राइट साइड के डोर हैंडल में, साथ में एक केप को हटाएंगे तो यहाँ पे मैनुअल लॉक अनलॉक करने के लिए एक आपको लॉक स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। करने के बाद आपको जो डोर पैड मिलने वाला है कुछ इस टाइप से मिल जाता है, यहाँ पे आपको हार्ड मटेरियल मिल जाता है, साथ में यहाँ पे सॉफ्ट टच में मिलने वाला है, फोर डोर पावर विंडो ऑपरेशन बटन्स मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश में आपको इनर लॉक हैंडल मिल जाता है, साथ में यहाँ पे बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और स्पीकर की ग्रिल्स मिल जाती है। तो कुछ इस टाइप से इसका इंटीरियर होने वाला है प्रॉपर ब्लैक थीम में, यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल लीवर का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में अगर सीट्स की बात करें तो इसमें आपको लेदर में आपको सीट्स मिलने वाली है सॉफ्ट, काफ़ी अच्छे कुशन क्वालिटी के साथ में, जो हेडरेस्ट है आपको ये भी फ्रंट के, ये भी आपको एडजस्टेबल मिलने वाले, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और जानते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की अंदर में आपको क्या कुछ मिलता है, तो पहले इसकी की को देख लेते हैं। दोनों ही रिमोट स्मार्ट की मिलती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प बूट ओपनिंग बटन का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील्स को देखेंगे प्रॉपर डार्क मिलने वाला है आपको, प्रॉपर ब्लैक कलर्स में, कुछ एरिया पियानो फिनिश में मिल जाता है, कुछ आपको मैट फिनिश में मिल जाता है और सेंटर वाला यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको पियानो फिनिश में कंसोल मिलने वाला है। एक एयरबैग यहाँ स्टीयरिंग में मिल जाता है आपको, यानी इसमें आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलने वाला है हेरियर में। देन हम बात करें इसके अब इग्निशन को ऑन करके, तो यहाँ स्टॉप बटन यहाँ पे आपको राइट साइड में मिलने वाली है, जिसे हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी का इग्निशन ऑन हो जाएगा। कुछ इस टाइप से इसका व्यू आने वाला है, काफी प्रीमियम लुक्स मिलता है, सारे आपको एल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाते हैं इस गाड़ी में, जैसे सेंटर में टाटा का लोगो, यहाँ पे आपको जो स्टीरियो माउंट कंट्रोल्स की बटन है ये भी आपको एल्यूमिनेटेड लोगो के साथ में मिलने वाली है, साथ में इसमें आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप डिस्प्ले की सेटिंग्स देख सकते हैं और ये व्यू बटन से यहाँ पे आप डिस्प्ले का लेआउट चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे अगर देखें हम सेंटर में इसके क्लस्टर मीटर को, तो भाई इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे इसमें आपको ट्रिप डिस्टेंस, साथ में यहाँ फ्यूल इंडिकेशन, डेप लेवल और यहाँ पे आपको कहना चाहिए कि फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मीटर मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है, जो इसके डायल को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे व्यू बटन को प्रेस करेंगे, इस टाइप से इस बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ क्लस्टर मीटर का जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगा। इसमें आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल और यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलने वाले हैं। काफ़ी प्रीमियम इसका इंटीरियर होने वाला है, प्रॉपर ब्लैक थीम पे इसका इंटीरियर आपको मिलने वाला है। साथ में हरमन के म्यूज़िक प्लेयर की बात करें, यहाँ पे आपको हरमन का म्यूज़िक प्लेयर मिल जाता है फुली टच में, जिसमें आपको एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले का
ऑप्शन मिल जाता है। साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात करें, यहाँ पे आपको कहना चाहिए AQI मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाता है, मूड लाइट यानी यहाँ पे आपको जो एम्बिशन लाइट्स मिलती हैं सनरूफ में, सामने फ्रंट डैशबोर्ड में, इसको आप अपने आई कंफर्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ से आप देखेंगे यहाँ आपको लाइट्स चेंज मिलेगी, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप एम्बिशन लाइट्स को चेंज कर सकते हैं। फ़ोन किक सेटिंग्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे, साथ में यहाँ पे साउंड डेमो सेटिंग, रेडियो, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। सराउंडिंग व्यूस यानी 360 कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है जो आपको 2D और 3D में होने वाला है। यहाँ कुछ इस टाइप से प्रीमियम क्वालिटी का भाई कैमरा, एकदम प्रॉपर विजुलेशन एकदम क्लियर मिलने वाला है इसमें। साथ में यहाँ पे AC पैनल्स की बात करें, ये भी टच में मिलने वाला है। फैन स्पीड हाई लो करने के लिए ये बटन्स मिल जाती है, यहाँ से टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। 360 कैमरे को डायरेक्ट ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगी, यहाँ लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए बटन्स मिल जाती है, हेजार्ड लाइट और फोगलेम ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन्स का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस टाइप से इसमें मिलने वाले वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं 3 टाइप के, जैसे रफ रोड, वेट रोड, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिलने वाला है, 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर का ऑप्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है, कप होल्डर का ऑप्शन, आर्म रेस्ट मिल जाता है लेदर में। साथ में यहाँ ओपन करेंगे तो आपको 3 टाइप के चार्जिंग ऑप्शन मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का, सी टाइप का, और यहाँ पे USB पोर्ट का, और कुछ यूटिलिटी स्पेस होने वाला है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो यहाँ से आप ग्लो बॉक्स ओपन कर सकते हैं, ग्लो बॉक्स ओपनिंग लैंप के साथ में इसमें ग्लो बॉक्स मिलता है डीप स्टोरेज में, काफ़ी अच्छा और कूल ग्लो बॉक्स मिलने वाला है, यानी आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो भाई गर्म नहीं होगी, ठंडी ही रहेगी। काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है भाई, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। सेंटर ORBM मैनुअल मिल जाता है, यहाँ ब्लूटूथ का माइक मिल जाता है, यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ के इंडिकेशंस मिल जाते हैं, वाइट LED में सीलिंग लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको पैनारोमिक रूप सनरूप की बात करें तो उसकी बटन्स मिल जाती है। इसे सिंगल टच करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कटन ओपन होगा, कुछ इस टाइप से। काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है इसके सनरूप में आपको, हाफ आपका ओपन होगा और हाफ फिक्स ग्लास होगा। सिंगल टच में सिर्फ कटन ओपन होगा, साथ में अगर इसको हम हार्ड प्रेस करेंगे कुछ इस टाइप से तो इसका सनरूप ओपन होने वाला है। काफ़ी बड़े साइज़ में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, इजीली आप बाहर निकल के इसका व्यू का मज़ा ले सकते हैं, कुछ इस टाइप से ओपन होने वाला है। साथ में इसमें आपको वॉइस कमांड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हम इस बटन को प्रेस करेंगे, क्लोज सनरूफ कमांड देंगे तो ऑटोमेटिक इसका सनरूफ ऑफ हो जाएगा, यानी इसमें आपको वॉइस कमांड का भी ऑप्शन मिल जाता है। और जो इसकी वर्किंग है वॉइस कमांड की, अभी आपने देखा एकदम क्विक वर्किंग है, आप जैसे ही कमांड देंगे वर्किंग करेगा ये। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है, बहुत बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरे को लिटरली बहुत पसंद आया इसकी थीम, जो आउटर डार्क आपको डार्क एडिशन है उसका जो डार्क थीम है, चाहे एक्सटीरियर की बात करें या इंटीरियर की, प्रॉपर आपको ब्लैक मिलने वाला है। चाहे सीलिंग्स की बात करें हम, इसकी सीट्स की बात करें, डोर पैड की, प्रॉपर ब्लैक यानी ब्लैक भाई, प्रॉपर ब्लैक। अब बात करते हैं भाई इसकी सेफ्टी की, तो इसमें आपको ब्रेकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती है, लाइक ABS, EBD, हील कंट्रोल, हील डिसेंट, इस सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। इसमें आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, साथ में आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है। म्यूज़िक प्लेयर में अगर स्पीकर की बात करें तो इसमें आपको 4 स्पीकर, 2 ट्वीटर, साथ में 1 सबवूफर का ऑप्शन मिल जाता है, और साउंड क्वालिटी भाई काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। टाटा गाड़ियों में एक चीज़, एक कंसर्न है लोगों के साथ हमेशा, कि इसमें जो इंजन की नॉइस है वो केबिन में आती है, वाइब्रेशन आता है, लेट स्टार्टिंग है। तो अभी हम गाड़ी के इंजन को करते हैं स्टार्ट, तो यहाँ से दबाते हैं गाड़ी का बटन, तो कुछ इस टाइप से आप देखेंगे अभी गाड़ी का इंजन हो गया है स्टार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे वाइब्रेशन 0 है, केबिन में 2000 cc का इंजन होने के बाद 2.0 लीटर का केबिन में 0 वाइब्रेशन है भाई, किसी भी प्रकार का आपको कोई वाइब्रेशन दिखेगा नहीं। मैं अभी जस्ट यहाँ पे आपको की रखता हूँ, दोनों की एक के ऊपर एक, गाड़ी चालू है और आप देखिएगा इसको, मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ गाड़ी को अभी, RPM लेवल देखिए। इतने बड़े इंजन के साथ में आपको केबिन में किसी भी प्रकार का कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, एकदम साइलेंट गाड़ी मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है इसमें इंजन पे, काफ़ी साइलेंट इंजन है। BS6 फेज 2 में काफ़ी अच्छा पावर पिकअप के साथ माइलेज मिलने वाला है हाईवे में इस गाड़ी में, इतने बड़े इंजन के होने के साथ। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर और जानते हैं इसकी प्राइस के बारे में, किस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। बात करते हैं हम गाड़ी के प्राइस की, तो ये आपको
एक शोरूम प्राइस की अगर बात करें तो 21,19,000 के एक शोरूम प्राइस में मिल जाती है, और ऑन रोड प्राइस की बात करें सुनील ऑटोमोटिव बालाघाट में तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है 1,77,000 के अप्रोक्स होने वाला है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुनील ऑटोमोटिव की डिटेल्स मिल जाएगी, जिससे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं।